प्लेन हाईजैक होना, यात्रियों के साथ खून खराबा होना, यह तो आपने सुना ही होगा। पर क्या कभी आपने सुना है कि प्लेन हाईजैक होने से किसी फिल्म की शूटिंग में फायदा मिला हो, या फिर विमान को हाईजैक करने के बाद आरोपी ने अचानक पुलिस और आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया हो। नमस्कार, मैं रुचि पांडे और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम दुनिया दरबार। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लेन हाईजैक की ये अनोखी कहानी मैं आज आपसे क्यों बता रही हूँ, तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा किस्सा। लेकिन इस किस्से को बेहतर रूप से जानने के लिए आपको पहले इतिहास में दखल देना होगा। लीबिया की जनता ने कभी मुअम्मर गद्दाफी को अपना नायक माना था। वक्त बदला और गद्दाफी की फितरत भी बदली, तो बहुत सारे लोगों को अपने इस नायक में खलनायक नजर आने लगा। यही वजह रही कि 42 साल बाद गद्दाफी और उनकी हुकूमत का अंत एक तानाशाही के माफिक हुआ। तख्तापलट के बाद गद्दाफी ने लीबिया की सत्ता संभाली तो लोगों ने उनकी अगुवाई में अपने भविष्य के सपने संजोए। हालांकि ये सपने हकीकत में तब्दील नहीं हुए। अपने बिंदास पहनावे और रहन सहन को लेकर गद्दाफी हमेशा चर्चा में रही हैं। गद्दाफी का जन्म 1942 में मरुस्थलीय शहर सिरतम में हुआ था। वे बड़े होकर सेना में भर्ती हुए। 27 साल की उम्र में गद्दाफी अचानक उस वक्त लीबिया वासियों की नजरों में नायक बन गए। जब 1969 में शासक शाह इदरीस के खिलाफ तख्ता पलट किया गया, लीबिया में आज भले ही उनके शासन का पटाक्षेप हो गया हो, लेकिन वर्षों तक 60 लाख लीबिया वासियों की जिंदगी में किसी ना किसी तरह से गद्दाफी की मौजूदगी बनी रही। ये इतिहास में आज आपसे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज की मुख्य खबर को जानने के लिए लीबिया के इस तानाशाह के बारे में जानना आपके लिए जरूरी था। बता दें कि माल्टा वही जगह है जहां दिसंबर 1979 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर और सोवियत संघ के सुप्रीम लीडर मिखाइल गोर्बाचेव की मीटिंग हुई थी। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है पूरी खबर। अभी हाल ही में माल्टा की अदालत में एक फैसला हुआ जिसमें 2016 में लीबिया के एक प्लेन हाईजैक करने के कारण दो आरोपियों में एक सुको मूसा शाली और दूसरे आरोपी अली अहमद को अपना गुनाह स्वीकारने के बाद सजा सुनाई गई। सजा में 25 साल कैद की सजा सुनाई गई है। आप सोच रहे होंगे कि क्या दोष था आरोपियों का। दरअसल लीबिया में 2016 में एक रोज पैसेंजर प्लेन एयरबेस A320 हाईजैक कर लिया गया था। इस विमान हाईजैकिंग में 111 यात्रियों और 7 क्रू मेंबर को बंधक भी बना लिया गया था। हाईजैक करने वाले लोगों के पास हाथ गोला भी था। हाईजैकर्स ने इस विमान को वेस्ट लीबिया के त्रिपोली जाते वक्त हाईजैक किया था, जिसे बाद में माल्टा के प्रधानमंत्री जोसेफ मस्कट के आदेश के बाद माल्टा की ओर मोड़ दिया गया था। स्थानीय समाचार पत्र टाइम्स ऑफ माल्टा के अनुसार माल्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद सभी यात्रियों को सहमति से छोड़ दिया गया और दोनों आरोपी ने सभी यात्रियों को छोड़ने के बाद एक हरी झंडी दिखा अपना समर्पण कर दिया। आरोपी से पूछताछ की गई तो ये सामने आया कि दोनों आरोपी लीबिया के पूर्व तानाशाह गद्दाफी के समर्थक थे और उसकी तानाशाही वाली विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिस कारण वे लीबिया में अपनी एक पार्टी बनाने के लिए और साथ ही पार्टी के प्रमोशन के लिए दोनों आरोपी ने ऐसा किया। आपको बता दें कि हाईजैकिंग में इस्तेमाल किए गए हथियार भी नकली थे, जो केवल दिखते असली थे लेकिन नकली थे। इस घटना के बाद माल्टा की अदालत में दोनों आरोपियों पर केस चला और अदालत ने अपनी सुनवाई में कहा कि ये बात सही है, विमान में बैठे यात्रियों में किसी को भी खरोंच तक नहीं आई, पर ऐसी मानसिकता को चेतावनी देने और दूसरे नागरिकों को उदाहरण देने के लिए इन दोनों आरोपियों को सजा देना जरूरी है, जिसके बाद मूसा शाह अली और उसके साथी को सजा सुना दी गई। ये तो था माल्टा में हुए हाईजैकिंग का मामला। अब ये भी बता दें कि इस हाईजैकिंग से एक फिल्म को कैसे फायदा हुआ। माल्टा के हवाई अड्डे पर हाईजैकिंग वाले दिन एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसका नाम था एंतेबे। ये फिल्म सन 1976 के ऑपरेशन एंतेबे पर बेस्ड थी। इसे हाईजैकिंग होने से फायदा मिल गया। शूटिंग तो रुक गई पर कैमरे में हाईजैकिंग का पूरा सीन शूट कर लिया गया। ये थी आज की मुख्य खबर। अब वक्त है आज की सुर्खियों का। पहली सुर्खी, अमेरिकी राज्य नेब्रास्का में एक 61 वर्षीय महिला ने अपने समलैंगिक बेटे को उसकी
सरोगेट बन एक बच्ची को जन्म दिया है। बच्ची के जन्म के बाद से परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। दूसरी सुर्खी जुड़ी है किसान आंदोलन से, जहां भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे किसानों के आंदोलन पर संयुक्त राष्ट्र ने बयान दिया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने कहा कि लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है और अधिकारियों को उन्हें ये करने देना चाहिए। तीसरी सुर्खी, हॉलीवुड की फिल्मों की तरह चीन अब सुपर सैनिक बनाने की कोशिश में जुटा है। उसने कई सैनिकों पर परीक्षण भी किए हैं। चीनी सैनिकों के शरीर में जेनेटिक बदलाव कर उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है। आखिरी सुर्खी, चीन की मीडिया ने एक दुनिया को चौंका देने वाला दावा किया है, जिसके मुताबिक चीन ने कृत्रिम सूरज तैयार कर लिया है। चीन का ये नकली सूरज असली सूरज से लगभग 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। दुनिया दरबार के इस खास सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन दुनिया की अन्य ताजातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखना न भूले हमारा खास कार्यक्रम दुनिया दरबार। धन्यवाद।